दोस्तों बॉलीवुड में ना जाने कितनी फिल्मी हस्तियां हैं जो कंट्रोवर्सीज के चलते अपना बना बनाया करियर चौपट कर दिया। आज के इस खास वीडियो में हम 8 ऐसे सितारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर के टॉप पर रहते हुए कंट्रोवर्सी के चलते फिल्मी करियर बर्बाद कर डाला और धड़ाम से धरती पर गिर गए। दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रिया चक्रवर्ती। दोस्तों जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उस समय रिया चक्रवर्ती मीडिया और लोगों के टारगेट पर आ गई। काफी सारे लोगों ने उन्हें सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया। कई सारे न्यूज चैनल्स ने तो इन्हें मुख्य आरोपी घोषित कर दिया था। इन सब की वजह से रिया के करियर पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कोर्ट ने तो इन्हें बरी कर दिया था, लेकिन तब तक इनकी इमेज काफी खराब हो चुकी थी। भले ही वो आज रोडीज में दिखती हो, लेकिन इसके बाद इन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। शक्ति कपूर। दोस्तों जिसने भी 90 के दशक को जिया है, बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर को ना जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गोविंदा कादर खान के साथ इनकी टिकड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आती थी, लोगों को हंसाकर लोटपोट कर देते थे। एक अभिनेता के रूप में इन्होंने लगभग 600 फिल्मों में कॉमेडियन और खलनायक की भूमिका निभाई है। 2005 में इन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज किया गया फॉर अ कास्टिंग काउच। इसके बाद से इनका करियर ग्राफ नीचे होता चला गया। इसके बाद भी इन्होंने फिल्में की, लेकिन पहले जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। आज के समय में वो श्रद्धा कपूर के पिता के रूप में पहचाने जाते हैं। मंदाकिनी। मंदाकिनी 80 के दशक की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्में दी हैं और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म ने इन्हें लोगों के दिलों में अमर बना दिया था। आज भी लोग इन्हें इसी फिल्म की वजह से जानते हैं। उस समय इनका करियर ग्राफ बहुत ही अच्छा जा रहा था। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्मों में साइन कर रहे थे, पर जब 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा था, उस समय इनका नाम गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़ा। उसके साथ फोटोज रिवील हुई। उनके इस रिलेशनशिप की वजह से प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्म ऑफर करना बंद कर दिया। एक तरह से बॉलीवुड इन्हें बहिष्कार कर दिया था और वो बॉलीवुड से दूर होती चली गई। साइनी आहूजा। मोस्ट टैलेंटेड एक्टरों में से शुमार साइनी आहूजा साल 2000 के आसपास अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के बीच छाए हुए थे। गैंगस्टर, भूल भुलैया, हजारों ख्वाहिशें, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में आपने इन्हें देखा होगा। इनके करियर का ग्राफ बहुत अच्छा खासा जा रहा था, फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका बना बनाया करियर को तबाह कर दिया। 2009 में उनकी नौकरानी ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया। वो आरोपी साबित भी हुए और उन्हें 7 साल की सजा हुई। उन्हें बेल भी मिल गई, पर वो एज एन एक्टर फिर कभी कम बैक नहीं कर सके। फरदीन खान। चार्मिंग एक्टर फरदीन खान ने जिस तरह से फिल्मों से अपना करियर स्टार्ट किया था, उसे देखकर सबको लगता था कि वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे। उन्होंने कई अलग तरह की फिल्में करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था, मगर दुर्भाग्य से उन्हें ड्रग लेते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। तभी से उनका करियर ग्राफ नीचे होता चला गया, लेकिन एक बार फिर से वो वेब सीरीज और फिल्मों के जरिए कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि वो कितना सफल हो पाते हैं। विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय का करियर बहुत अच्छा खासा चल रहा था, जहां उन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जैसे रामगोपाल वर्मा, सुभाष घई और मणिरत्नम के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अलग अलग कैरेक्टर्स में जहां इन्हें ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच सलमान खान के साथ उनकी लड़ाई ने उनका पूरा करियर तबाह कर डाला। विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, जहां इन्होंने खुलासा किया था कि सलमान खान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उनके इस इंटरव्यू का इम्प्रेशन इंडस्ट्री में अच्छा नहीं गया और इसके बाद उन्हें बॉलीवुड से काम मिलना बंद होता चला गया और जिन डायरेक्टरों ने उन्हें पहले से ही साइन की हुई थी, उस फिल्म से भी इन्हें हटा दिया गया। जिस तरह विवेक ने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी करियर की ग्रोथ वैसी नहीं रही। ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी 90s की मोस्ट डिमांडेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। गजब की खूबसूरती की मालकिन ममता को देखने के लिए ही सिनेमा घरों में ऑडियंस की लाइनें लग जाया करती थी। उनकी फिल्में भी बम्पर कमाई करती थी, जिस वजह से बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में इन्हें लेना चाहते थे,
लेकिन तब इनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब इनका करियर ही पूरी तरह से तबाह हो गया। दरअसल करियर के टॉप पर रहते हुए इन्होंने ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से शादी कर ली। बाद में वो ड्रग रैकेट के केस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी पाई गई। इससे उनके पब्लिक इमेज पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ा और फिर उनको फिल्म्स ऑफर आना बंद हो गए और अब वो ग्लैमर वर्ल्ड से दूर योगा सन्यासी बनकर सर्वाइव कर रही हैं। सूरज पंचोली। दोस्तों सूरज पंचोली को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यह बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे हैं। सूरज एक कंट्रोवर्सी में फंस गए। सूरज एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में मुख्य आरोपी थे और इस वजह से वो अरेस्ट भी हुए थे। बाद में उनको जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद वो हीरो फिल्म के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च हुए, लेकिन फिल्म अच्छी होने के बावजूद ऑडियंस ने उन्हें कंट्रोवर्सी के चलते एज अ हीरो एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इनमें से कौन सा एक्टर आपको पसंद है ये भी बताते हुए जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।